ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा ने सर्वप्रथम उनके दिव्य अंगों की स्तुति की और फिर यह घोषित किया कि उनकी माधुरी के मूल पहचान को समझ पाना उनके ऐश्वर्य की अपेक्षा अधिक कठिन है। वैदिक प्रमाणों से प्राप्त दिव्य ध्वनि के श्रवण तथा कीर्तन की भक्तिमय विधि द्वारा ही भगवान की अनुभूति हो सकती है। वैदिक प्रमाण के अतिरिक्त अन्य विधियों से ईश्वर की अनुभूति करने का प्रयास व्यर्थ है। असीम आध्यात्मिक गुणों के आधार भगवान का रहस्य अचिंत्य है, इसे समझ पाना निर्विशेष ब्रह्म से भी अधिक कठिन है। केवल भागवत कृपा से ही उनके यश को समझा जा सकता है। अंत में इसकी अनुभूति होने पर ब्रह्मा ने अपने कार्यों की बारंबार भर्त्सना की और यह माना कि ब्रह्मांड के परम आश्रय श्री कृष्ण ही उनके अपने पिता आदि नारायण है। इस तरह ब्रह्मा ने भगवान के समक्ष याचना की। तत्पश्चात ब्रह्मा ने भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्य का गुणगान किया और जिन जिन बातों में ब्रह्मा तथा शिव विष्णु से भिन्न है, जिन जिन कारणों से भगवान देवताओं पशु इत्यादि की योनियों में जन्म लेते हैं, जिस तरह से भगवान लीलाएं करते हैं, उन सब का तथा भौतिक जगत के नाश्वरता आदि का वर्णन किया। भगवान को जान लेने पर जीवात्मा भवबंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि मोक्ष तथा बंधन दोनों ही असत्य है, क्योंकि जीव के बद्ध होने से ही बंधन तथा मोक्ष उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण के साकार रूप को भ्रामक मानकर मूर्ख लोग भगवान के चरण कमलों को छोड़कर परमात्मा की अन्यत्र खोज करते हैं, किंतु उनकी व्यर्थ की यह खोज उनकी मूर्खता का स्पष्ट प्रमाण है। भगवान की कृपा के बिना भगवान के सत्य को समझने का कोई भी सरल उपाय नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर ब्रह्मा ने ब्रजवासियों के सौभाग्य का विश्लेषण किया और तब स्तुति की कि अच्छा होता यदि वे स्वयं एक तृण कुंज या लता के रूप में वहां उत्पन्न हुए होते। वृंदावन वासियों के आवास भौतिक जगत के बंदी गृह नहीं है, अपितु ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा भी इन आवासों की कामना की जाती है। दूसरी ओर कोई भी आवास जिसका भगवान कृष्ण से संबंध नहीं होता है, वह भौतिक जगत का बंदी गृह है। अंत में ब्रह्मा ने भगवान के चरण कमलों पर अपने आप को पूर्णतया समर्पण कर दिया और बारंबार प्रशंसा करते हुए उनकी प्रदक्षिणा की और विदा ली। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा चुराए गए सारे पशुओं को एकत्र किया और उनको लेकर यमुना तट पर पहुंच गए, जहां ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे। जो मित्रगण पहले से वहां बैठे थे वे ही अभी भी वहीं पर थे। कृष्ण की माया के कारण उन्हें इसका रच भर भी पता नहीं चला कि क्या हुआ है। अतः जब कृष्ण बछड़ों के साथ आए तो उन्होंने पूछा, अरे आप तो इतनी जल्दी लौट आए, बहुत अच्छा हुआ। जब तक आप नहीं थे हमने एक कौर भी नहीं तोड़ा, आइए और खाइए। ग्वाल बालों की बात पर भगवान कृष्ण हंसते हुए उनके साथ भोजन करने लगे। भोजन करते हुए कृष्ण ने किशोर मित्रों से अजगर के चर्म की ओर संकेत किया तो बालकों ने सोचा शायद कृष्ण ने अभी अभी इस भयानक सर्प को मारा है। बाद में उन्होंने वृंदावन वासियों को कृष्ण द्वारा अघासुर के वध का वृतांत कह सुनाया। इस तरह ग्वाल भालों ने भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की
लीलाओं का वर्णन किया। यद्यपि भगवान के पौगंड आयु 6 से 10 वर्ष प्रारंभ हो चुकी थी। यहां पर सुखदेव गोस्वामी यह बताते हुए इस अध्याय को समाप्त करते हैं कि गोपियां किस तरह कृष्ण को अपने पुत्रों से भी अधिक प्यार करती थी। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।